हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज और मेरे साथ है मेरा दोस्त रपी। हाय दोस्तों। और हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसी कल्ट क्लासिक मूवी का जो आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगी। और हम करने वाले हैं बाबा की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी खलनायक का। मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। अरे ओ मुन्ना, तू इनके चार डंडों से डर गया? ले ये देख कितना मार रहा है मुझे। अरे इनका काम है मारना और हमारा काम है मार खाना। पहले आदमी हो जो कबूल करते हो कि बुरे हो, विलन हो, खलनायक हो। 100% साहब, अपना अपना धंधा है सरकार। सो गया बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूं। संजीदा दी हुई मैं तो हमने सोचा कि मतलब नई नई मूवी आ रही हैं, हर कोई उनका रिव्यूज करते हैं, ठीक है, तो हम पुरानी मूवी का दिखाते हैं कि पुरानी मूवी में ऐसा क्या था, ठीक है, कि उस टाइम पे वो मूवी इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई और क्यों वो कल्ट बनी, क्या क्या ऐसी चीजें थी उस मूवी में और आज भी उसे याद किया जाता है। आज भी किसी को अगर खलनायक बोला जाता है इंडस्ट्री में तो वो संजय दत्त को बोला जाता है। और क्यों वो एक डायरेक्टर सेक्टर है, क्योंकि उसको जब भी कोई एक अच्छा डायरेक्टर मिलता है तो उसके जैसा कोई एक्टर। और जिन दोस्तों ने, हम नए हैं, हमारे चैनल नया है, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सपोर्ट करो और वो बेल आइकन है उस पर घंटे पे मुक्का उक्का मारो जल्दी से, ठीक है ना। तो मारो जो भी करो मेरे सब्सक्राइब कर दो यार क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर अभी कम ही है, तो आपका सपोर्ट चाहिए। और हम फ्यूचर में भी मतलब ऐसी ओल्ड कल्ट मूवीज के हम जरूर बनाने वाले हैं। एक तरीनी इंडस्ट्री में नजर आएगा, वो हॉलीवुड स्टाइल का एक्टर है और अगर उसे बेकार डायरेक्टर मिल रहा है तो वो तो एकदम बेकार मूवी बनाता है, टू बी ऑनेस्ट। पर बाबा की अगर वो कोई अच्छे डायरेक्शन में कोई मूवी है, वो खलनायक है, एक नंबर मूवी है और इतनी कल्ट क्लासिक मूवी है कि हर किसी को देखनी चाहिए, हर कोई देख सकता है। और वो भी 90s के टाइम पे जब बाबा सारे क्राइसिस में थे, तो उस मूवी ने दोबारा से बाबा को सुपरस्टार बना दिया था। और मूवी एक खलनायक की स्टोरी है कि वो कैसे खलनायक बनता है, और बेशक वो खलनायक है लेकिन वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है और किस तरह से वो उस खलनायक के रूप से नायक बनता है लास्ट में। तो ये पूरी एक इतनी जबरदस्त जर्नी है और इतना जबरदस्त स्टाइल है संजू बाबा का उस मूवी में। मतलब अगर देखा जाए तो मतलब सबसे सॉलिड रोल संजय दत्त का ही है, संजय दत्त का ही है और बाबा का है, लेकिन जैकी श्रॉफ और माधुरी के रोल को भी अप्रिशिएट किया गया था। हाँ, किया जा सकता क्योंकि उनको उनको तुम अगर मुझे तो लगा बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट है, मेन मूवी उसी पर है। पर सुभाष गई का हमने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी जो ये मूवी है इसका मेन हीरो है जैकी श्रॉफ। नहीं नहीं, और वैसे ही उसने एक और मूवी का जिक्र किया सुभाष गई ने कि मेरी राम लखन मूवी का मेन हीरो है राम, राम है जो कि जैकी श्रॉफ। लेकिन हमेशा ऐसा होता है जब भी जैकी श्रॉफ जग्गू दादा किसी भी एक्टर के साथ आते हैं तो वो सेकंड रोल हो जाता है। ये भी ऐसा भी होता है ना कि लोग जो है वो ज्यादा पसंद किसे करते, पॉजिटिव रोल को ज्यादा पसंद नहीं करते। हाँ, कि वो बोलते हैं कि ये पॉजिटिव रोल है तो उसको क्या पसंद करना।
लेकिन नेगेटिव शेड और ग्रे शेड इतना जबरदस्त, मुझे नहीं लगता कि बाबा से अच्छा ग्रे शेड कोई कर सकता है। नहीं, नहीं। कोई ऐसा एक्टर नहीं है बॉलीवुड में जो बाबा से अच्छा ग्रे शेड कर सकता है। अगर है तो आप मुझे बताएं, मुझे नहीं लगता कि कोई है। नहीं, उतनी नहीं। बड़ी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई, उस फिल्म को जस्टिफाई वही कर सकता था। ठीक है, और जबरदस्त सॉन्ग है मूवी के। और मेरा भाई बताता है कि उस टाइम पे पूरे साल में एक ही गाना चला, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। आजकल भी मतलब आई रिमेम्बर कि अभी रिमिक्स, कुछ दिन पहले शादी हो रही थी तो हमारे घर के साथ ही, तो तब भी सॉन्ग चल रहा था कि चोली के पीछे क्या है। तो इतना फेमस सॉन्ग है उसके, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, वो थीम सॉन्ग जो है इतना जबरदस्त था, बहुत ही शानदार एक्टिंग है। और सबसे बड़ी बात कि लोग अभी तक उनके हेयर स्टाइल को फॉलो करते हैं। हाँ, भाई वो खलनायक वाला हेयर स्टाइल। मुझे याद है कि मेरा भाई बोल रहा था, वो आर्मी स्कूल में है, और वो बोल रहा था कि हमें बड़ा स्ट्रिक्ट था कि हमारे हेयर एकदम छोटे छोटे होने चाहिए, पर जैसे ही खलनायक आई थी तो सबने बड़े हेयर कर लिए, रोज डंडे पड़ते थे, लेकिन किसी को बेशरम हो गए थे बच्चे, उन्होंने बाल लंबे रखने, यहाँ यहाँ तक बाल रखे हुए थे, और वो स्टाइल ही अलग था। वो स्टाइल अलग था, अलग ही स्टाइल था वो। और आज तक भी कोई, अगर मैं बोलूं उनके स्टाइल का, एक या तो ऋतिक रोशन लगता है कि थोड़ा सही इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंटेबल है, या जॉन इब्राहिम लगता है। बाकी इंडियन एक्टर्स में कौन है, मुझे नहीं लगता कोई है उस पर्सनैलिटी का बंदा। नहीं नहीं, वैसा कोई नहीं है। हाँ, अभी तो कोई नहीं। और अगर आपने खलनायक नहीं देखी है तो जरूर देखें। ना ये क्या बात कर रहा है, खलनायक देखी नहीं है, ऐसा कोई बंदा हो नहीं सकता इंडिया में जिसने खलनायक ना देखी हो। ये नई जनरेशन ने नहीं देखी होगी, अब जो ये 2000 वाले हैं जितने भी, इन्होंने नहीं देखी होगी। तो इन्होंने भी देखी होगी, 1992 की मूवी है वो तो। हाँ, तो 90s वालों ने भी कहाँ देखी होगी, हम 90s से थोड़ी सी पहले के हैं, हमने देखी है। और 90s वाले अगर नहीं देखी है तो देखो, ठीक है, और बहुत ही अच्छी मूवी है, कोई डाउट नहीं है। और अगर आप संजय दत्त की वो मूवी देखना चाहते हो जिसने उसको सुपरस्टार बना दिया, तो वो खलनायक है। तो डू वॉच खलनायक फॉर संजय दत्त। जो भी संजय दत्त के फैन है वो जानते हैं कि वो कितनी शानदार मूवी थी। बहुत लोग इंस्पायर हुए थे, बहुत गुंडे बन गए थे, लेकिन वो सच में एक सॉलिड मूवी है। सॉलिड मूवी है, उसके डायलॉग्स आज तक चलते हैं। हाँ, उसके डायलॉग्स आज तक मशहूर है। तो मैं कहूंगा अपने दोस्तों को कि पक्का देखें। और कल्ट मूवीज का मैं और बनाने वाला हूँ, जिंदा है संजय दत्त की जिंदा मूवी, ओल्ड बॉय का रीमेक, उसका भी जल्दी आपके पास रिव्यू आएगा। उसके बाद दोस्ती के ऊपर जो मूवी थी वो संजय दत्त की, आतिश, उसका भी बनाएंगे हम रिव्यू। हम कल्ट मूवीज, जितनी भी कल्ट मूवीज हुई है उनका रिव्यू बनाएंगे। तो आपको, आप सपोर्ट करना, और अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, दोस्तों का, घर के लोगों का ख्याल रखें, और टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। बाय बाय बाय।